जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली जो बच्चे SSC GD 2021 में क्वालिफाई हुए हैं मेडिकल के लिए उन सभी के लिए है, साथ ही जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनके लिए भी। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसके बाद में क्या एक लिस्ट और आएगी, तो पहले तो मैं आपको एक सिरे से लगा देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल लिस्ट आ गई है। उसके अलावा जो उन्होंने टेम्परेरी रूप पे आपने देखा होगा बॉयज में जैसे 25 ऐसे हैं जिनका भी पेंडिंग है, तो जिनका पेंडिंग लिस्ट में उन्होंने रोल नंबर दिखाए हैं उनके लिए जरूर एक लिस्ट और आएगी। उसके अलावा कोई भी मेडिकल की लिस्ट नहीं आएगी। पिछली बार क्या हुआ था कि एक बार SSC GD में क्या हुआ था पिछली बार की पहले मेडिकल की लिस्ट आई थी, उसके बाद में 20,000 छात्रों को और बुलाया गया था। इसके पीछे का राजन कारण भी मैं स्पष्ट करूंगा। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि सेकंड लिस्ट आए और बच्चों को एड किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन किस आधार पे ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पे उस पे बताऊंगा। लेकिन अभी जो ये वीडियो बना रहा हूं ये स्पेशली फाइनल कट ऑफ को लेके है सभी राज्यों की। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करने लगे जब से जो पास हुए, सभी ने अपने अपने राज्यों की कट ऑफ देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर जाके PDF ले सकता है और देख सकता है लाड़ लो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा कि सर फाइनल मेरिट कितना बढ़ेगी। देखिए लाडू, फाइनल मेरिट अभी आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कुछ पांच नंबर है, कुछ दस नंबर भी ज्यादा है। तो क्या सर उतनी फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है इस बार, या कितने नंबर बढ़ सकते हैं, किस स्टेट से कितने ज्यादा चांसेस हैं? तो देखिए मैं आपको हरेक स्टेट यानी हरेक राज्यवार आपको कुछ आंकड़े बताने वाला हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा कि आपके राज्य से कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले SSC GD की जो सीटें डिवाइड होती है वो होती है राज्य के आधार पे। आपका दो मिनट का समय लूंगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा मैं अगर सीधा सीधा बताऊंगा कुछ बातें आपको समझ में आएगी नहीं, वो काम की रहेगी नहीं। आपको समय दो मिनट मेरे को देना पड़ेगा। देखो SSC GD की जो कट ऑफ निकलती है सबसे पहले राज्यवार निकलती है, ध्यान रखना हर एक राज्य की मेरिट इसमें अलग होती है, तो हर राज्य की कैटेगरी वाइज मेरिट भी अलग होगी। यानी हर एक राज्य की मेरिट क्या होगी लाड लो, अलग होगी, कैटेगरी वाइज भी अलग होगी। पहली बात तो राज्य के आधार पर, यानी कुछ राज्य की मेरिट 40 भी जाती है, कईयों की 80 भी जाती है, यह आप सभी को पता है। दूसरा इसमें जो आरक्षण मिलता है वो आपका जैसे कैटेगरी OBC, SC, ST और इस बार एक नया जुड़ा EWS, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो इसमें आरक्षण मिलता है वो मिलता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे नक्सल डिस्ट्रिक्ट की मेरिट आपको अलग मिलेगी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट आपको अलग मिलेगी, ठीक है, और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उसकी मेरिट आपको अलग मिलेगी। यानी हर एक राज्य की जो मेरिट बनेगी उसमें भी देखो SSC GD पूरी इंडिया लेवल पे वैकेंसी होती है, लेकिन राज्य वाइज अलग, फिर जिला वाइज अलग, और फिर कैटेगरी वाइज। तो कौन सी कैटेगरी के कितने नंबर ऊपर उछल सकती है इसके बारे में ये वीडियो लाड दूं। मैं आपको बता दूं अब तक एक बहुत बड़ा बदलाव होता है SSC GD में, वो क्या होता है ध्यान रखना, सभी राज्य से जितने भी बच्चे जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी फाइनल वेट हमेशा अक्सर ज्यादा बढ़ती है, ध्यान रखना फाइनल वेट ज्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मैं आपको बताता हूं। पिछली बार जैसे मैंने बोला था कि पिछली बार क्या हुआ था कि एक लिस्ट आ गई थी, उसके बाद में 20,000 बच्चों को और बुलाया गया मेडिकल के लिए, सेकंड लिस्ट डाल के मेडिकल के लिए, ठीक है। इन बच्चों को क्यों बुलाया गया था उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। इनको इसलिए बुलाया गया था कि इन कैटेगरी का, जिनका मैंने नाम लिया SC ST की, इन कैटेगरी की नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया से जो मेरिट गई थी वो ज्यादा चली गई थी, जिसके कारण इनकी कोई भी सीट फुल नहीं हो रही थी। यानी कोई भी सीट फुल नहीं हो रही थी, यानी सीटें बहुत ज्यादा खाली रही थी, इसलिए उन्होंने सेकंड लिस्ट एक और निकाली 20,000 की। बाद में इसके लिए आंदोलन भी हुआ कि इन 20,000 बच्चों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये 20,000 बच्चे क्यों बुलाए गए। लेकिन मैं आपको बताऊं इन 20,000 में से सिलेक्शन हुआ था वो केवल एक SC कैटेगरी, एक ST कैटेगरी, नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब किस राज्य की कितनी जाएगी ये तो मैं आपको पहले, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके राज्य की अभी मेरिट कितनी गई है। आप सभी ने देख ली होगी कि आपके राज्य की कट ऑफ कितनी गई है। अब मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं, आप चाहे कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, अगर आप SC से बिलोंग करते हो, अगर आप ST से बिलोंग करते हो, या EWS से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप चाहे किसी से बिलोंग करते हो, मैं आपको कुछ आंकड़े यहां देने वाला हूं, उनको आप स्पष्ट रूप से देख लेना।
जनरल कैटेगरी से जितने भी बच्चे बिलोंग करते हैं, चाहे आप कोई से भी राज्य से, लेकिन कोई से राज्य में भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मेरिट बिल्कुल नहीं बढ़ती, पहले वो राज्य के नाम देख लीजिए, उसके बाद में आंकड़ा खोलूंगा। कौन कौन से राज्य देखो, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, जहां पर मेरिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, जहां पर अभी मेडिकल लिस्ट है वहीं पे मेरिट आएगी, ये वो राज्य बता रहा हूं मैं आपको। तमिलनाडु, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा गोवा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक बंगाल, बंगाल से मेरिट बढ़ती है, ठीक है, बंगाल को मैं आधा कुछ ही लूंगा, अभी आपको बताऊंगा बंगाल से कौन सा। इसके अलावा कौन सा होगा, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु और मिजोरम आ गया है, मेघालय आ गया, तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है, इनके अलावा एक दो कोई मैं अगर नाम भूल रहा हूं तो आप उसका भी मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। इन राज्यों से मेरिट बहुत कम पड़ती है, फाइनल मेरिट ध्यान रखना, ठीक है, स्पेशली इन राज्यों की एससी और एसटी कैटेगरी की मेरिट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, ठीक है, ये जो मैंने राज्यों के नाम लिखे। अब जिन राज्यों की मेरिट ज्यादा बढ़ती है उनके नाम बताता हूं मैं आपको, उन राज्यों में आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर मेरिट का उछाल होता है, यानी बहुत बड़ी एसएससी जीडी की जो मेरिट है बहुत ऊपर तक जाती है यहां पर हर एक कैटेगरी की, ठीक है। इसके अलावा जो राज्य बचे उनमें नॉर्मल रहता है, जैसे गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन राज्यों में क्या रहता है, नॉर्मल सा रहता है कि एक दो नंबर प्लस जाता है, एक साधारण सा बढ़ता है, इनमें बहुत कम मेरिट बढ़ती है, इनमें बहुत ज्यादा मेरिट बढ़ती है, और बाकी जो स्टेट जो आपके बच्चे हैं उनमें नॉर्मल सा रहता है कि किसी कैटेगरी का दो नंबर बढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इसको आप ले सकते हो, इसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा को भी इधर साइड में ले सकते हो, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इसमें क्या होता है कैटेगरी वाइज अलग अलग बढ़ता है, उड़ीसा है, झारखंड है, यहाँ पर क्या है नक्सल एरिया का बिल्कुल नहीं रहेगा जबकि जनरल एरिया बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए वो अलग कैटेगरी हो गई। अब देखो मैं कैटेगरी वाइज आपको बताता हूँ कि अगर आपके कितने नंबर प्लस है तो आप बढ़िया से रह सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो फाइनल जैसे मेडिकल लिस्ट आने के बाद में कम बढ़ती है, लेकिन फिर भी आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके 4 नंबर ऊपर होने चाहिए, कितने नंबर ऊपर होने चाहिए, कम से कम 4 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अगर जनरल कैटेगरी हो कम से कम बता रहा हूं मैं आपके 4 नंबर ऊपर होने ही चाहिए। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के साथ नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी स्टेट के नक्सल एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपके अगर 3 नंबर या 2 नंबर के ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आप नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके कम से कम 4 नंबर ऊपर होना बहुत जरूरी है, अगर आप कौन सी कैटेगरी से, जनरल। बाकी आप अगर इनमें से किसी भी स्टेट से हैं जो सामने आपके दिए गए इन स्टेटों में से अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके ये मान के चलिए 5 नंबर ऊपर होना चाहिए, अगर आप इनमें से किसी से हो, ठीक है, अगर इनमें से किसी से हो तो फिर 4 नंबर से नीचे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें अगली ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी और जनरल की मेरिट में ज्यादा फर्क नहीं रहता। पिछली बार हुआ क्या था कि राजस्थान और अदर ऐसे कई ऐसे स्टेट थे जहां पर ओबीसी की मेरिट जनरल से ऊपर गई थी, तो इसीलिए जितने भी बच्चे हैं उनके कम से कम 4 या 5 नंबर ज्यादा होने चाहिए अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली इन राज्यों से, तो और अगर इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो उनके 4 से कम भी होगा तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी जितने बच्चे मेडिकल के लिए पास हुए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाने वाले हैं, लगभग
15% बच्चों की अनुपस्थिति रहेगी 70,000 में से, यानी कितने बच्चे 55,000 में से ये मान के चलिए कि 25,000 या 30,000 के आस, 25 तो नहीं एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, 15,000 से 20,000 के आसपास का आंकड़ा है ना वो मेडिकली अनफिट होगा या जिनको पॉइंट मिलेंगे। लास्ट में फाइनल मेट जो आएगी वो 50,000 या 45,000 के ऊपर आएगा, यानी दो सीट पे एक बच्चा रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप एस टी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 3 नंबर प्लस होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एस सी से एस टी से तो भी 3 और एस सी से भी है तो 3। बाकी मैं आपको बता दूं इन राज्यों में पिछली बार जिसमें से राजस्थान, इनमें फाइनल मेट भी 5-5 से 6-6 नंबर तक एस सी कैटेगरी की लड़कियों की बड्डी थी, तो लड़कों की हो सकता है इससे ऊपर जाए। मैं आपको जो अनुमानित आंकड़ा दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि इससे अगर नीचे किसी के नंबर है तो उसको तो एस एस सी जी डी 2022 की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए, उसको बिल्कुल भी निर्भग या ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो उसको बिल्कुल ही नहीं सोचना है भाई। ठीक है, इसलिए मैं ये आंकड़ा दे रहा हूँ ना कि आपको ये बताने के लिए कि भाई आप 100% सिलेक्शन हो जाए, मैं बोल रहा हूँ इससे नीचे अगर आप हो तो आपको अगली वैकेंसी की तैयारी कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों को तो 4 नंबर प्लस ले लीजिए कि आपके 4 नंबर प्लस होने ही चाहिए लाड दो। अब मैंने जो राज्य के नाम आपको बताए हैं उनके, अब आपका जो मेडिकल से संबंधित कोई इश्यू है, मेडिकल से संबंधित का आपको एक इश्यू है आपका कि सर कब से होगा, तो मैं आपको बताऊं अगस्त लास्ट में होने के चांसेस है, अगस्त लास्ट तक आपका मेडिकल होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, और इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं उससे संबंधित वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, लाड लो।